लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने भी शानदार प्रदर्शन किया। खासकर की अगर बात यूपी की करें तो यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। यूपी में कांग्रेस ने तो अमेठी और रायबरेली में कुछ ज्यादा ही अच्छा प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में पहली बार जीत के बाद राहुल रायबरेली पहुंचे और अपने सभी कार्यकर्ता और वहां की जनता का आभार जताया। आपको बता दें कि लोकसभा 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें रायबरेली अमेठी की सीट पर थीं। इसीलिए एक सप्ताह पहले से ही प्रियंका गांधी ने दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार करते हुए जनता के दिलों में फिर से जगह बनाई और रायबरेली अमेठी की सीट को जीतकर कारनामा कर दिखाया। रायबरेली अमेठी अभी कांग्रेस की विरासत के रूप में कांग्रेस का गढ़ है, इसको भेदना इतना आसान नहीं है। इस जीत के बाद रायबरेली अमेठी के सांसद अपनी जनता का आभार जताने पहुंचे। इस दौरान रायबरेली की जनता भी बेहद खुश नजर आई। आज का कार्यक्रम आभार व्यक्त करने का था। जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया है। और कुछ बोला है क्या प्रियंका जी ने, राहुल जी ने? राहुल जी ने, प्रियंका जी ने प्रोत्साहित किया है कार्यकर्ताओं को। आज यहाँ के एक उत्साह, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लगा कि हाँ, वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी विवश हो गए संविधान को सुरक्षित रखने के लिए। नहीं तो जिस तरीके से संविधान बदलने की बात कर रहे थे, उस तरीके से लग रहा था कि देश को दूसरी दिशा में लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब और भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई तो वो भी कहीं ना कहीं गदगद नजर आए। उन्होंने कहा कि ये जीत हम सब कार्यकर्ताओं की जीत है। क्लियर हो गया है कि जनता में बहुत आक्रोश रहा है मोदी जी के खिलाफ। इस वजह से उन्होंने उनको आईना दिखाया है और इस बार उनको सच्चाई दिखा दी है कि आप अब जो आपकी लहर चलती थी वो लहर खत्म हो चुकी है। जनता जान चुकी है उनको कहाँ से रोजगार मिलेगा, कहाँ से उनको खाने की व्यवस्था हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है। जनता के हित में सोचती है, रोजगार के हित में सोचती है। और राहुल जी जिस प्रकार से जीते हैं रायबरेली से, किशोरी जी अमेठी से जीते हैं, काफ़ी भारी मतों से जीते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घुटने टेक दिए, 1.5 लाख पे आ गए वो। चुनाव तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि अयोध्या ने ही साथ नहीं दिया मोदी जी का, और इसके बाद और इसके आगे और क्या ही कहना। महिलाओं के लिए कुछ बोला है क्या प्रियंका गांधी ने? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन करती ही हैं हमेशा रायबरेली के हम जनता के लिए, हम लोगों के लिए हमेशा करती हैं। बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कल रायबरेली पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि ये जनता के बगैर मुमकिन नहीं था। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए रायबरेली से शिव के सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।